नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं KFC इंडिया पर एप्लीकेशन पर आपने अगर कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया है, कोई फूड प्रोडक्ट्स मंगाया है और अब आपका मन नहीं हो रहा है खाने का, मतलब कहीं और से आ गया है आपका खाना या फिर किसी वजह से आपको कोई भी इशू आ जाता है जिसकी वजह से आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर दीजिए। इतना करने के बाद इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट, स्नैपचैट, सभी जगह शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद एक प्यार कमेंट कर दीजिए, कमेंट में लिखना है KFC कैंसिल ऑर्डर, यहाँ पर लिखना है KFC कैंसिल ऑर्डर, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग कैंसिल ऑर्डर के लिए ये वीडियो देखें। तो KFC कैंसिल ऑर्डर आपको लिख देना है, आपको कमेंट को कर देना है कमेंट। अब दोस्तों बात कर लेते हैं KFC इंडिया एप्लीकेशन को, कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, ओपन जब आप करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये बताएगा कि आपका प्रोडक्ट जो है आपने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो व्यू प्रीवियस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि ये आपने ऑर्डर किया था और यहाँ पर कहीं पर भी आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, ना ही कहीं पर कैंसिल ये ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप कहीं पिकअप कर सकते हैं खुद, तो यहाँ पर जाके ये तीन आपके रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर आप जाके पिकअप कर सकते हैं, तो ये आपका रेस्टोरेंट हो गया। हम दोस्तों आपने ऑर्डर्स जो है लेटेस्ट ऑर्डर जो है वो आप देख सकते हैं, ये देखिए आपने ऑर्डर जो है वो किया है, कब किया है, तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, बार बार ये ट्रिक का यूज मत कीजिएगा, एक दो बार आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर भी कहीं पर भी आपको जो है ऑर्डर के बारे में नहीं बताएगा। ये देखिए यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर कहीं पर भी ऑर्डर के बारे में नहीं बताएगा कि यहां से आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है, साइन आउट पर क्लिक करना है, साइन आउट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको साइन आउट कर देना है, अकाउंट को अपने साइन आउट कर देना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, साइन आउट अकाउंट कर दिया, साइन इन पर आ गए। अब दोस्तों आपको एक अपना मैसेज बॉक्स में जाना है, मैसेज बॉक्स में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे टर्न ऑन पर क्लिक करिए, तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिख के आया, तो यहाँ पर ये देखिए ये नंबर लिख के आएगा, थोड़ी देर बाद जो है वो आपका कैंसिल के लिए एक ऑप्शन मैसेज आ जाता है कैंसिल के लिए, कि पूछता है कि आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल करना चाहते हैं क्या, तो यहाँ पर आपका ऑर्डर एक कैंसिलेशन के लिए आ जाएगा। लेकिन दोबारा आप जब यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे, साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के साइन इन करेंगे, जैसे मान लीजिए तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल के मैं साइन इन कर लेता हूँ। दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डाल के फिर से आपको ऑर्डर मतलब कि मोबाइल नंबर डाल के फिर से आपको लॉगिन कर लेना है, वही मोबाइल नंबर डाल के फिर उसके बाद प्रीवियस ऑर्डर पर जाएंगे और यहाँ पर रीऑर्डर नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको दिखाएगा शॉपिंग कार्ड और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर कैंसिल कर देना है, यहाँ पर ओके पर कैंसिल कर देना है और जितने भी आपको ऑप्शन जो हैं वो आपको कैंसिल कर देना है, जितने भी आपने किए हैं सारा कुछ जो है रिमूव कर देना है, तो आप यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, इस तरीके से यहाँ पर आपको कर देना है रिमूव, तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स को आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर इस तरीके से लिख के आ जाएगा, तो शॉपिंग कार्ट में नो है और पुराने ऑर्डर भी इस तरीके से आपको कर दिए हैं आपने कैंसिल। तो इस तरीके से आप कैंसिल जो है पुराने ऑर्डर्स को भी कर सकते हैं और नए ऑर्डर्स को भी इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हैं, रिमूव पर क्लिक करके आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कन्फर्मेशन के लिए कि आप ऑर्डर क्या कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देना है। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं और शॉपिंग कार्ट जो है आपका खाली हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे ये वीडियो पसंद ज़रूर आए, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए कैंसिल ऑर्डर का ऑप्शन दिख जाएगा और वहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं इस ऑर्डर को, तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए, इस तरीके से आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने सारा कुछ जो है वो डिटेल्स में बता दिया है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय बाय दोस्तों।